हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये अडेनियम का प्लांट लगभग 4 साल पुराना प्लांट है। ये मैंने खुद सबसे पहला जो हमने सीड से प्लांट ग्रो किया था वो यही प्लांट है। ये 2-3 प्लांट हमारे पास ग्रो हुए थे। एक हमें कहीं से मिल गई थी सीड पोर्ट, तो उसमें से 40-50 सीड निकले थे। तो पहली बार हमने ग्रो किए थे तो सारे तो नहीं जमे, लेकिन जो उसमें से 8-10 जमे थे, उसमें से मरने के बाद में जो बचे वो 3 प्लांट बचे थे और 2 और गल गए। तो ये सिर्फ एक ही मेरे पास बचा है, उसमें का सबसे पहला प्लांट है जो मैंने सबसे पहले खुद सीड से ग्रो किया था। तो इसकी हमने जैसे ही थोड़ा सा ये बड़ा हुआ तो इसको हमने इस तरीके से, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये ग्रो होते ही फौरन मैंने कुछ ही दिन के बाद इसके ऊपर के टिप्स को तोड़ दिया। टूटने के बाद में ये ऊपर से एक ही जगह से सारी ब्रांचें इसकी निकल पड़ी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अरेबिकम का लुक इसने ले लिया है। सब एक ही जगह से सारी ब्रांचें इसकी निकली हैं और बहुत ही खूबसूरत बना है। तो साथियों, ये देसी प्लांट है। इस पर हमने उस टाइम पर हमें असल में ग्राफ्टिंग करनी भी नहीं आती थी, तो ये हमने ऐसे ही इसको छोड़ दिया एज इट इज़, और ये ग्रो होता रहा। अब इसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग वगैरह होती है। तो आज ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसके लीव्स वगैरह पीले पड़ने लगे हैं, तो ये डोरमेंसी को मानने लगा है। तो इसके जब लीव्स पीले हो गए हैं तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, क्योंकि अब इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। और प्रूनिंग करने के बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह भी देके, और इसको अब पानी वगैरह नहीं देना है बिल्कुल। यानी जब हम इसके ऊपर से लीव्स ख़त्म हो जाते हैं प्लांट के, तो फिर उसको पानी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसे प्लांट को पानी ना दें जिसके अंदर लीव्स ना हों, क्योंकि सर्दी का टाइम है और पानी को लीव्स ही अब्सॉर्ब करते हैं। जब लीव्स नहीं होते हैं तो अडेनियम पानी को नहीं लेता है। इसलिए पानी अगर इसको अंदर डालना है तो 15 दिन के अंतराल ही पानी डालें, क्योंकि अब ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी है। अब अच्छी तरीके से सारे अडेनियम डोरमेंसी में अगले महीने में चले जाएंगे। तो अभी तो ये एक एक दो दो ही प्लांट हमारे डोरमेंसी में गए हैं। ये दूसरा प्लांट है जिसके लीव्स पीले हुए हैं, और एक प्लांट हमारे पास और है जो डोरमेंसी में फुल तरीके से लगभग जा चुका है। तो ये है वो प्लांट जो डोरमेंसी में चला गया है, और ये इसके लीव्स वगैरह सारे गिर गए हैं। सारी ब्रांचें इसकी खाली हो चुकी हैं लीव से, बस एक ब्रांच में ये थोड़े से लीव्स रह गए हैं। और बाकी के जो हमारे जितने भी अडेनियम हैं इनका कोई अभी पत्ता पीला नहीं पड़ा है, और किसी किसी में तो वर्ड्स भी भर भर के आ रहे हैं और फ्लावरिंग हो रही है लगभग इनके अंदर, ये देखिए। और इसके अंदर अभी नए वर्ड्स आए हैं ये, और इधर भी कुछ कलियां वगैरह खिल रही हैं। ये असल में ठंड पड़ने लगी है तो अब ये कलियां जो खिलेंगी खिल जाएंगी, लेकिन काफ़ी दिन तक ये फूल रहते हैं। जब खिल जाते हैं तो बहुत दिन तक फूल रहते हैं। तो ये देखिए वाइट खिल गया है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। और इसके फूल का साइज देखिए आप, कितना हैवी इसकी वर्ड्स है। ये काफ़ी हैवी फूल खिलता है इसके अंदर। और ये कुछ प्लांटों में अभी नए वर्ड्स भी निकल रहे हैं। तो अभी ये वर्ड्स जो गिर गया था तो मैंने देखा कि इसका कलर कैसा है, तो ये देखिए रेड कलर है। इसकी आउटिंग जो है वो ब्लैक टाइप की है। तो इस टाइप का ये वर्ड्स गिरा था अभी यहाँ से। और ये असल में इसके अंदर लीव्स बहुत अधिक हैं, तो इस वजह से ये ठंड की वजह से पूरा ठीक से खिल नहीं पा रहा है। और ये वर्ड तो हमारे ख्याल जो हाथ वगैरह लग गया इस वजह से टूट गया है। ये भी बिल्कुल ताज़ा ही टूटा हुआ है ये इस तरीके से। तो ये जिसमें लीव्स ज़्यादा होते हैं उसके लिए टेम्परेचर भी जो चाहिए होता है करीब 35-40 डिग्री, तो उस डिग्री में ही ये फूल अच्छे खिलते हैं। और ज़्यादा ठंड में ये ज़्यादा घने जो लीव्स जिसके अंदर होते हैं वो थोड़ा मुश्किल से खिलते हैं। ये सिंगल जो वैरायटी होती है ये तो बहुत फौरन खिल जाते हैं इस टाइप से, ये देखिए। तो साथियों, आज हम इस प्लांट की अपने प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि हम जो प्रूनिंग करते हैं
वो इसी महीने में करते हैं। ये हमने पिछले साल भी इसी महीने में इसकी प्रूनिंग करी थी और ये देखिए कितना बुशी और घना हो गया है, कितनी ज़्यादा ब्रांचेस इसमें निकली है और ऊपर फूल इतने ज़्यादा आते हैं इसमें कि मज़ा ही आ जाता देख के। बहुत ही प्यारा प्लांट ये हो जाता है, यानी प्रूनिंग का ख़ास तौर से यही फ़ायदा है कि उसमें ब्रांचेज ज़्यादा हो जाती हैं और जब ब्रांचेज ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग भी अधिक होगी, ये फ़ायदा होता है। और वैसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बस जिस प्लांट को आपने बुशी बनाना है, घना बनाना है, उसकी आप प्रूनिंग कर दें। या आपने जिस प्लांट को बोनसाई बनाना है तो बोनसाई लुक जिस प्लांट के अंदर देना है तो उसकी तो लगातार प्रूनिंग करी जाती है। वैसे कोई ख़ास फ़ायदा प्रूनिंग का नहीं है कि प्रूनिंग करने से फूल अधिक आ रहे हों या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रूनिंग से सिर्फ फूल अधिक हो जाते हैं, ब्रांचेज ज़्यादा हो जाती हैं, इस वजह से ये प्रूनिंग करी जाती है। प्लस बोनसाई रहे, छोटा प्लांट रहे, इस वजह से प्रूनिंग करी जाती है। अगर इसको छांटो ना तो ये इसकी लेगी, ब्रांचें हो जाती हैं, फिर ये बरसातों में इधर उधर गिरती हैं। अच्छा, जो लोग एडेनियम को डोरमेंसी में सुखाते हैं तो उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा बस यही है कि यानी गलने से मरने से बच जाता प्लांट। अगर आपने एक दो हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए ज़्यादा ठंड में इसको लटका दिया तो उसका ओनली कितना फ़ायदा है, कोडस में बरसात के पानी से अधिक पानी हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसमें लीव्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, ब्रांचें बढ़ जाती हैं, तो पानी अधिक होने की वजह से ये फ्लावरिंग फिर कम करता है। तो इसका जो लटकाते हैं डोरमेंसी में एडेनियम को, तो उसको लटकाने का ये एक ये फ़ायदा है कि उसका जो पानी है वो शिलिंग हो जाता है, सूख जाता है, और उससे जब उसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत पानी उसको लेता है। और जो जैसे फरवरी में आपने उसको रिपोर्ट किया, उसके पानी की कम मात्रा होने की वजह से कोडस में पानी कम होता है, इस बेस पे वो फ्लावरिंग जो है वो अधिक करता है। तो एक ये तो फ़ायदा है कि उसका जो पानी है वो शिलिंग हो जाता है, और प्लस फिर जब दोबारा वो पानी लेगा तो कोडस बहुत जल्दी तेज़ी से मोटा भी होता है और बरसातों में जाके वो और ज़्यादा मोटा होगा। तो पानी को एडेनियम की शिलिंग कर देना चाहिए। हम तो ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि हम पानी देना बंद कर देते हैं, बल्कि आखिरी महीने में हम पानी देते ही नहीं हैं, तो इस वजह से हमारा तो मिट्टी के अंदर लगे लगे ही शिलिंग हो जाता है, ये कोडस थोड़ा मुलायम पड़ जाता है, तो पानी शिलिंग हो गया इसका। तो हमने फिर इसके बाद में इसको पानी जब देंगे तो ये सही हो जाता है और उसके बाद में फ्लावरिंग भी ठीक ठाक होने लगती है। तो साथियों चलते हैं, अब इसकी हम प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग की सावधानी से प्रूनिंग करनी चाहिए और क्या क्या इसकी प्रक्रिया है वो सब इसको करके और इसके अंदर फिर हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लें। ये सैनिटाइज करना छुरी का बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सैनिटाइज नहीं करेंगे तो हमारे कटे हुए हिस्से में फंगस लग सकती है, इसलिए इस छुरी को सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। आप हाइड्रोजन परोक्साइड से भी सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो ख़त्म हो गया है, इस वजह से हम इस छुरी से कर रहे हैं। अब इसको इस जगह से ऐसी जगह से काटना है जहाँ पर लीव्स ज़्यादा हों, यानी ये जहाँ कम नज़दीक लीव्स होते हैं वहाँ पर से ही कटिंग करनी चाहिए क्योंकि वहाँ से ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, और जहाँ ये दूर दूर तक लीव्स निकलते हैं दूर से दूर, इसी जगह पर प्रूनिंग ना करें। और वैसे भी ये कच्ची ब्रांच होती है तो कच्ची ब्रांच को प्रून ना करें, आप पकी हुई ब्रांच को ही प्रून करें और वहाँ से लीव्स जो है वो जल्दी फुटाव लेता है। तो इस तरीके से थोड़ा क्रॉस करके आप ऐसे काट दीजिए इसको, तो ये सारी ब्रांचें इस तरीके से काटनी है, थोड़ी तिरछी करके आप इन ब्रांचों को निकाल दें। ये दो ब्रांचें हम लीव्स वाली छोड़ेंगे, ये एक ये भी छोड़ देते हैं, इसको भी ये इसलिए छोड़ रहे हैं कि लीव्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे तो हमारा प्लांट ग्रोथ करता रहेगा और अगर थोड़ा बहुत हम पानी डालेंगे वो भी ये एडेनियम लेता रहेगा। तो अब क्या करना है साथियों, आप एक इस तरीके की मोमबत्ती लीजिए और उस मोमबत्ती को जलाकर
इस कटे हुए हिस्से पर टपका दें, ये इस तरीके से इसको सील कर दें बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल सील कर दें ताकि इसका मॉइस्चर यहाँ से ना निकले। जब ये सील हो जाएगा तो बिल्कुल एडेनियम को पता नहीं चलेगा और एडेनियम के जो मॉइस्चर है वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मॉइस्चर इसका निकल जाता है तब यहाँ पर से ब्रांड कम से कम 1 सेंटीमीटर तक सूखने लगती है और जो फुटाव लेता है वो टीप से ही लेता है, ज़्यादातर टीप से ही फुटाव लेता है एडेनियम। इस वजह से टीप्स का हिस्सा जब सूख जाएगा तो वहाँ से फुटाव अच्छा नहीं लेगा। इस वजह से सर्दियों में अगर आप प्रूनिंग करें तो उसको मोमबत्ती से ही उसको सील कर दें कटे हुए हिस्से को। ये देखिए मैंने सारे हिस्से को सील कर दिया है। अब इसके अंदर से एडेनियम का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो नहीं निकलेगा और ऊपर से अगर बारिश वगैरह हो गई या आपने स्प्रे कर दिया तो इसके अंदर पानी का कोई चक्कर ख़त्म हो गया समझ लीजिए। किसी किस्म की फंगस नहीं लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल सील हो चुका है और ना ही इसको ठंड नुकसान करेगी, ना पारा नुकसान करेगा और ना ही बारिश का पानी नुकसान करेगा। यानी बरसात ठंड में अक्सर बारिश भी हो जाती है तो ये अगर मोम के ऊपर से पानी पड़ेगा तो सब नीचे बह के निकल जाएगा, मोम के ऊपर पानी ठहरता ही नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है वो इसको सील करके इसके पावर है जो इसका पानी है उसको ये सील कर देता है, बंद कर देता है बिल्कुल। तो एडेनियम में ताकत बिल्कुल वैसी मौजूद है और ऊपर से जब सील हो गया है तो वहाँ से बहुत जल्दी फुटाव लेगा। ये एक वजह है इसकी कि इसके सील कर देने से यहाँ से फुटाव जल्दी लेगा। अगर एडेनियम जिसे मान लिया कि थोड़ी बहुत इसका टेम्परेचर अच्छा मिल गया तो ये फुटाव लेने लगेगा, अभी लेने लगेगा फुटाव ज़्यादा दिन अभी, क्योंकि अभी अच्छी खासी इस महीने भर धूप में तेज़ी है तो अभी ये फुटाव ले सकता है। और नहीं भी लेगा तो फरवरी में ये फुटाव, जैसी फरवरी में थोड़ी बहुत टेम्परेचर तेज़ होगा तो फौरन ये फुटाव अपना ले लेगा और इसके साथ इसके बड्स निकल पड़ेंगे और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से आप एडेनियम को प्रून करने के बाद में उसके ऊपर मोम से उसको सील कर दें। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र कौन सा देंगे साथियों, ताकि इसके अंदर ब्रांचें अधिक निकलें। वो फर्टिलाइज़र मैं ऐसा दूंगा जिससे इसके अंदर ब्रांचें ज़्यादा निकलेंगी और प्लस इसके रूट भी बहुत जल्दी डेवलप होंगे। तो वो फर्टिलाइज़र जब भी आप प्रून करें तो उस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दें। वो दो फर्टिलाइज़र हैं, एक तो है सीविड और दूसरे ह्यूमिक एसिड। तो हम इसके अंदर ह्यूमिक एसिड देंगे और दोनों फर्टिलाइज़र का लगभग एक ही काम है। दोनों समुद्री सिवार से तैयार की जाती हैं, ऑर्गेनिक खाद है और उस दोनों खादों के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ह्यूमिक एसिड थोड़ी पावरफुल ज़्यादा होती है और सीविड थोड़ी कम पावरफुल होती है। तो आप इनमें से कोई सी भी खाद दे सकते हैं फुटाव के लिए, उससे फुटाव अधिक होगा और ब्रांचें अधिक निकलेंगी। तो साथियों थोड़ा थोड़ा मात्रा में हम उसको डाल देते हैं। तो ये ह्यूमिक एसिड है हमारे पास, हम इसी को एक आधा टीस्पून के करीब, ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत कम मात्रा में ये खाद दी जाती है। ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल खाद होती है तो इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं दी जाती है, बस इतना फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत है, ये आधा टीस्पून के करीब है। और इसको हल्का हल्का चारों साइड पोट से लगाकर इसको इस तरीके से डाल दीजिए। बहुत प्यारी खाद है एडेनियम के लिए ये, और अगर इसके अंदर जैसे लीव्स निकल जाते हैं तो आप फिर इसके ऊपर एक्सम सोल्ड का स्प्रे कर दें। एक्सम सोल्ड के स्प्रे से बहुत ही जल्दी इसके अंदर लीफ बहुत तेज़ी से निकलेंगे और शाइनिंग दार निकलेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ेगा एडेनियम। तो साथियों अब हम इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे इस फर्टिलाइज़र की, और पानी अभी हम नहीं देंगे इसके अंदर। जब भी पानी देंगे 2-4 दिन के बाद, तब हम ये फर्टिलाइज़र जो हमने डाला है ये घुल के और रूट तक पहुँच जाएगा और एडेनियम उसको अब्जॉर्ब करने लगेगा और अपनी ग्रोथ को शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इसकी गुड़ाई करने के बाद में हम इसको उठा के एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, अभी इसको हम पानी नहीं देंगे क्योंकि नीचे की सॉइल इसकी अभी गीली है। देखिए ये नीचे की सॉइल गीली है तो अभी हम इसको इतना पानी नहीं देंगे क्योंकि हमने इसके लीव्स निकाल दिए हैं।
जब तक इसकी सॉइल अच्छी तरीके से नहीं सूख जाएगी तब तक इसको हम पानी नहीं देंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।